Hello everyone, my name is Neetu Sugandh and I'm your trainer for the pronunciation section. Mera naam hai Neetu Sugandh aur main aapki pronunciation section ki trainer hoon. Main ek book ki author bhi hoon jiska naam hai How I Learned to Speak in English. Ye book Amazon pe available hai. Mera suggestion yahi rahega ki aap yahan se seekhiye aur meri book ko as a reference guide use kijiye. In case you like my videos, you can follow me on this link. And also, do rate, review, recommend and share. ये lesson 2 है consonant sounds overview पे. अब हमने अपने previous lesson में ये पढ़ा था that we have 24 consonant sounds. तो हम इस lesson में ये सीखेंगे कि वो 24 consonant sounds कौन सी है और इसको pronounce कैसे करते हैं. Let's begin. तो इस lesson में हम सीखेंगे कि sounds produce कैसे होती हैं, consonant sounds की characteristics क्या है, और वॉइस और अनवॉइस कॉन्सनेंट साउंड्स कौन से होते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी विल लिस्ट द कॉन्सनेंट साउंड्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट. मतलब हम वो सारे कॉन्सनेंट साउंड्स लिस्ट करेंगे. हाउ आर साउंड्स प्रोड्यूस्ड? साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू आर टंग, टीथ एंड माउथ. हम अपनी टंग यूज करते हैं साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, टीथ यूज करते हैं एंड माउथ यूज करते हैं. तो सवाल ये उठता है कि अलग अलग साउंड्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम लोग. वेरी सिंपल, जैसे हम लोग अपने माउथ, टंग एंड टीथ को यूज करेंगे उसी तरीके से हमारी साउंड्स प्रोड्यूस होगी. अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था लास्ट लेसन में कि छ ड हमारी कॉन्सनेंट साउंड्स हैं. अगर हम लोग छ और ड को प्रोड्यूस करेंगे तो हम जिस तरह से अपने माउथ, टंग एंड टीथ को यूज करेंगे उसी हिसाब से हमारे साउंड्स प्रोड्यूस होंगे. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. अगर मुझे बोलना है ख या मुझे कहना है ल, तो आप नोटिस करेंगे जब ये साउंड्स आप प्रोनाउंस करेंगे आप अपनी टंग, टीथ एंड माउथ की प्लेसमेंट बिल्कुल अलग तरीके से रखते हैं, तभी आपकी ये साउंड्स अलग अलग तरीके से प्रोड्यूस होती है. अब हम ये सीखेंगे कि कॉन्सनेंट साउंड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब कॉन्सनेंट साउंड्स में ऐसा क्या डिफरेंट है. कॉन्सनेंट साउंड्स आर क्रिस्प, नॉट इलोंगेटेड. मतलब हम लोग जब कोई कॉन्सनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं या प्रोनाउंस करते हैं तो वो क्रिस्प होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रही हूँ ख या मैं बोल रही हूँ म, तो वो ख का खा नहीं होगा या म का मा, मैं, मी नहीं होगा. हम म को म ही कहेंगे और ख को ख कहेंगे. कॉन्सोनेंट साउंड्स की एक कैरेक्टरिस्टिक और भी है कि वो या तो वॉइस्ड होती है या अनवॉइस्ड होती है. तो आप सोच रहे हैं कि वॉइस्ड और अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं. लेट मी एक्सप्लेन. वॉइस साउंड्स वो होते हैं जब हमारी वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती है. मतलब हम अपने माउथ, टंग एंड टीथ को इस तरीके से यूज करते हैं कि हमारी वोकल जो कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट करें. अब आप एक साउंड प्रोड्यूस कीजिए, ड ड डाइम, ड डाइम. अब अगर आप अपना हाथ अपने नेक पर रखेंगे और बोलेंगे ड एज इन डाइम, तो आपको बहुत सारी वाइब्रेशन फील होगी. मीन्स योर वोकल कॉर्ड्स आर वाइब्रेटिंग, सो इट्स अ वॉइस साउंड. सिमिलरली अनवॉइस साउंड्स वो होती है जिसमें हमारी वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट नहीं होती हैं. अब एग्जाम्पल लेते हैं, छ छ एज इन टाइम. अब आप अपना हाथ अपने नेक पे रखेंगे तो आपको वाइब्रेशन फील नहीं होगी जब आप बोलोगे छ एज इन टाइम. सो ये हमारा डिफरेंस है वॉइस्ड और अनवॉइस साउंड्स के लिए. आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है टू प्रैक्टिस प्रोनंसिएशन, पर ये डिफरेंस सही रहता है अगर कभी कोई साउंड प्रोनाउंस ना हो तो हम उस टेस्ट के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि वॉइस्ड है या अनवॉइस्ड है. उसको प्रोनाउंस करने में हमारी काफ़ी हेल्प होती है. लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स. सो थ एज इन टेन, ये अनवॉइस्ड है. ड एज इन डेन, ये वॉइस्ड है. फ एज इन फेट, दिस इज अनवॉइस्ड. ब एज इन बेट, दिस इज वॉइस्ड. ख एज इन खेट, ख इज अ वॉइस अनवॉइस साउंड. ग एज इन गेट, ग इज अ वॉइस साउंड. फ एज इन फेस्ट, फ इज एन अनवॉइस साउंड. व एज इन वेस्ट, व इज अ वॉइस साउंड. नाउ मोर देन रियली डिफ्रेंशिएटिंग कि अनवॉइस कौन से है, वॉइस कौन से है, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है. आप बस उसकी प्रोनंसिएशन ठीक से इन वर्ड्स को ठीक से प्रोनाउंस कीजिए. तो एक बार दोबारा से इसको आप प्रैक्टिस करिए. मैं दोबारा से वर्ड्स बोलूंगी, आप प्लीज़ प्रेजेंटेशन को पॉज कीजिए और रिपीट कीजिए.
T as in ten. D as in den. P as in pet. B as in bet. K as in kate. G as in gate. F as in fest. V as in vest. अब मैं एक और चीज हाईलाइट करूंगी यहाँ पर. हम लोग काफी बार बोलते हैं ट प क, इसलिए मैंने ये साउंड ज्यादा एग्जाम्पल्स में इंक्लूड किए हैं. ट प क हिंदी के साउंड्स हैं. इंग्लिश में कोई ट प और क नहीं होता है. इंग्लिश में होता है ठ फ एंड ख. तो अगर आप लोग टेन को बोलेंगे टेन, एक जो नेटिव स्पीकर है, मतलब नेटिव स्पीकर्स वो होते हैं जिनके लिए इंग्लिश उनकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, उनको आपको समझने में बहुत डिफिकल्टी होगी. तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको आसानी से समझे तो इंग्लिश में आप थ फ एंड ख कहेंगे, ना कि ट प क. अब हम वही टेस्ट दोबारा करेंगे जिसमें मैंने आपको बताया था, आप अपना हाथ अपने नेक पर रखिए और आपको डिफरेंस पता चलेगा अनवॉइस्ड और वॉइस साउंड में. अब अगर हम बोलेंगे छ ख फ छ, तो आप नोटिस करेंगे कि वाइब्रेशन नहीं हो रही है क्योंकि वो अनवॉइस साउंड है. और ये अगर हम लोग कहेंगे ड ग ब व, तो हमें काफ़ी वाइब्रेशन फील होगी अपने नेक पर. वो इसलिए क्योंकि ये सब वॉइस साउंड्स है. तो थ्रू दिस एक्टिविटी हम ये कर सकते हैं कि अगर हमें डिफरेंस पता करना है कि कौन सी साउंड वॉइस्ड है कौन सी अनवॉइस्ड है, तो दिस इज अ गुड टेस्ट. व्हेन यू डोंट फील अ वाइब्रेशन इट्स एन अनवॉइस साउंड. व्हेन यू फील अ वाइब्रेशन ऑन योर थ्रोट देन इट्स अ वॉइस साउंड. अगेन मैं बार बार ये डिफरेंस सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम जब कॉन्सनेंट सीखते हैं तो सारी साउंड्स पेयर्स में आती है. अब पेयर्स में क्यों आते हैं मैं आपको बताती हूँ. जितनी भी साउंड्स मैंने अभी यहाँ पे पेयर्स में टेबल में लिखी हुई हैं, वो इसलिए लिखी हैं क्योंकि जो साउंड इकट्ठे हैं वो सेम तरीके से प्रोनाउंस होती हैं. हम अपने टंग, टीथ और माउथ को सेम तरीके से यूज़ करते हैं. बस डिफरेंस ये होता है कि अनवॉइस में हमारी वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट नहीं करती हैं और वॉइस में वाइब्रेट करती हैं. आप एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आप अपना हाथ अपने मुंह के आगे रखेंगे और अनवॉइस साउंड प्रोनाउंस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल फ, तो आपको बहुत सारी हवा फील होगी अपने पाम पे. और अगर आप वॉइस साउंड प्रोनाउंस करेंगे फॉर एग्जाम्पल ब, तो आपको हवा फील नहीं होगी. तो आपका ये एक और टेस्ट है जिससे आप पता कर सकते हैं कि कोई वॉइस है या अनवॉइस्ड है. अब हम इनको मोर देन डिफरेंस बिटवीन वॉइस एंड अनवॉइस, हम इनको प्रोनाउंस करना सीखेंगे. तो अब मैं ये साउंड्स धीरे धीरे प्रोनाउंस करूंगी और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप प्रेजेंटेशन को बार बार पॉज करके एक बार रिपीट कीजिए सारी साउंड्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फ एज इन फेट. ब एज इन बेट. ख एज इन खेट. ग एज इन गेट. ठ एज इन time. D as in dime. F as in fest. V as in vest. S as in sit. Z as in zit. Th as in throw. Th as in though. Sh as in pressure. J as in treasure. Ch as in chat. J as in jet. H as in hate. L as in late. अब ये सारी हमने pairs वाली sounds जो कि similar तरीके से pronounce होती है, ये हमने अभी discuss किया. अब बाकी सारी sounds voiced है, however हमें उन्हें pronounce ठीक से करना है. So let's begin again. M as in mat. N as in nose. Ng as in ring. R as in rest. W as in water. Y as in yes. अगर आप चाहें तो आप एक बार और प्रैक्टिस कर सकते हैं दोबारा से प्रेजेंटेशन को रिवाइंड करके, ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि ये हर साउंड प्रोनाउंस कैसे होती है. और उसका एग्जाम्पल भी साथ में दिया हुआ है. जब आप हर साउंड की प्रोनंसिएशन बिल्कुल परफेक्ट कर लेंगे,
तो उसके बाद आपको खुद को लगेगा कि हाँ मैं अब बहुत अच्छी तरीके से क्लियर साउंड कर रही हूँ या कर रहा हूँ. ऑल्सो अगर आप इनके सिम्बल्स को लेके कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो आप सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू साउंड्स को रिकग्नाइज कीजिए. वैसे तो मैंने बिल्कुल सिंपल सिम्बल्स लिखे हैं यहाँ पर, जैसे एन और जी है जो कि हमारी फोर्थ लास्ट साउंड है, एन एंड जी, वो हम लोग अंग बोलते हैं लाइक रिंग. तो अगर आपको सिंबल के थ्रू समझना है तो आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा कि हम कौन सी साउंड डिस्कस कर रहे हैं. Now let's do an activity. Let's practice the names of days. अब जब आप मेरे साथ ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप कोशिश कीजिएगा कि कॉन्सनेंट साउंड्स पे ध्यान दें, उनको क्रिस्प तरीके से प्रोनाउंस करें. ओके लेट्स बिगिन. मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और सैटरडे एंड संडे. अब सैटरडे एंड सैटरडे बोथ आर करेक्ट. एक अमेरिकन वे ऑफ प्रोनाउंसिंग इट है और एक ब्रिटिश वे. आप कोई भी यूज कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि आप साउंड को छ कहें ना कि ट, क्योंकि वो हम हिंदी में बोलते हैं. हम बोलते हैं सैटरडे या फिर सैटरडे, वो गलत है. सैटरडे या फिर सैटरडे. इवन वो जो ये वेंसडे है, अब काफ़ी लोग को मैंने सुना है वो बोलते हैं वेडनेसडे, सो वो भी इनकरेक्ट है. वेंसडे इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. अब मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप जितने भी वर्ड्स, अब आप यू नो व्हाटएवर वर्ड्स यू कम अक्रॉस, जितने भी वर्ड्स आपको अब मिलते हैं, आप पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, आप उनको अब प्रोनाउंस कीजिए विद द राइट साउंड्स दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड. ऑल्सो रिमेंबर व्हेन यू आर लर्निंग प्रोनाउंसिएशन, फोकस ऑन साउंड्स नॉट लेटर्स. ये मैं फर्स्ट लेसन में और सेकेंड लेसन में भी कहा था कि हम लोग साउंड्स पे फोकस करेंगे. अब स्पेलिंग भूल जाइए. Also, get into the habit of recognizing sounds using an online dictionary. आप जब भी कोई word को आपको difficult लगता है, आप online dictionary पे जाइए और उसको practice कीजिए और ये अब notice कीजिए कि आप sounds को pronounce कैसे कर रहे हैं. Also, practice pronouncing words while focusing on consonant sounds. अब आप हर consonant sound को clearly and crisp तरीके से pronounce करिए तो आप खुद ही notice करेंगे कि आपके words की pronunciation improve हो रही है. अब हम नेक्स्ट लेसन में हर साउंड का जो पेयर मैंने अभी डिस्कस किया है उसको डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे, ताकि अभी हमने सिर्फ एक एक बार प्रैक्टिस किया है, हम उसके अलग अलग वर्ड्स चूज करेंगे उसको प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि जब आप अपना पूरा कॉन्सनेंट साउंड्स का ये चैप्टर कंप्लीट करें आपकी प्रोनंसिएशन इम्प्रूव हो जाए, एटलीस्ट कॉन्सनेंट साउंड सारे इम्प्रूव हो जाए. हमारा जो नेक्स्ट लेसन होगा वो होगा फ और ब साउंड पे, उसको हम डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे. So till then, thank you so much. All the best with learning.